हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टाइप के लोगो किस तरीके से बनाएंगे। कोई भी लोगो हो, आइकन हो, तो किस टाइप से कैसे आपको बनाना है, एज अ प्रोफेशनली आप कैसे बनाओगे। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे एक राउंडेड सर्कल टाइप का बनाना है। तो उसके लिए आपने पॉलीगन लेना है और कंट्रोल के साथ में आपने ड्रॉ करना है, उससे एग्जैक्टली वो राउंडेड बनेगा। एंड देन इसको सेलेक्ट करके पोजिशन में रख लीजिए जहाँ भी आपने रखना है। एंड देन इसमें हमें साइड्स इसके इंक्रीज करने के, साइड्स अभी हम राउंड फिगर इसमें ले लेते हैं 25, और शेप टूल से आपने क्या करना है, इसके जो पॉइंट्स हैं इसको नीचे ड्रैग करना है। अब वो देख लीजिए कितना राउंड है, उसके हिसाब से आप यहाँ से उसको राउंड कर लीजिए। एंड इसमें क्या है, राउंडेड है और हमारा ये कॉर्नर आ रहा है, तो हम इसको राउंड भी कर सकते हैं। कैसे राउंड करना है, देखिए आपने एक पॉइंट को सेलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, बिकॉज अभी ये शेपिंग के थ्रू है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दोगे, आप कंट्रोल क्यू कर देंगे, तो फिर क्या होगा, एक में करेंगे तो एक में ही होगा। तो बिना कन्वर्ट किए आपको, बिना कन्वर्ट टू यानी कि कंट्रोल क्यू करके आपने इसको करना है। देखिए कैसे, तो इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको आपने राउंड कर देना है, कन्वर्ट टू कर्व। ओके, एंड देन नीचे वाले पॉइंट को भी सेलेक्ट करते हैं, इसको भी यहाँ से राउंड कर देंगे। एंड देन यहाँ से स्मूथ का ऑप्शन आता है, ये स्मूथ कर दिया, और इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे, इसको भी स्मूथ कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये देखिए इस तरीके से कर्व हो जाएगा। अब इसमें कर्व कितना करना है, वो हैंडल के थ्रू आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कि हमें हल्का सा कर्व कम करना है, तो इस हैंडल को पकड़िए और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इस वाले हैंडल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये इतना इनफ है। अब इसमें बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि कर्व की प्रॉपर्टी आ रही है, आपको इंटेंसिटी कम करनी है, इसकी जो इनसाइड आ रहा है इसको हल्का सा हम और ऊपर कर सकते हैं। तो वो आप ओवरऑल आपके पास पूरा कंट्रोल है कैसे आपको सेट करना। ओके, तो ये हमारा फ्लो एज इट इज़ आ गया। कलर फिल करना सेम ही वाला आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आई ड्रॉपर आएगा, ये लेना है और कलर यहाँ से पिक करना है, एंड देन फिल इन दिस कलर। आउटलाइन कलर हटा देते हैं, तो आउटलाइन के लिए क्या करना है, यहाँ पे नन ऑप्शन आता है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और सेट आउटलाइन कलर पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, राइट। तो ये हमारा एक शेप तैयार है। एंड देन इसकी इंटेंसिटी ओके है, तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम कम करते हैं तो देखते हैं कैसा आ रहा है। परफेक्ट है, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए इसको। ओके, अब ये हमारा ऑलमोस्ट ठीक है, तो 22 हम ले लेते हैं, इनफ है। एंड देन हमें क्या करना, अब एक ये सर्कल क्रिएट करना है। तो सर्कल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें आपने ड्रॉ करना है एग्जैक्टली, तो सर्कल लिया और इसको ड्रॉ कर दीजिए। और ये भी आपने क्या करना है, कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ करना है ताकि वो एग्जैक्ट सर्कल बने, राइट। इसका आउटलाइन कलर देना है, तो यहाँ से कलर पे राइट क्लिक करना है, सेट आउटलाइन कलर, एंड देन इसकी थिकनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो 2 इनफ है। इसको सेंटर करना है, दोनों को सेलेक्ट, सी फॉर हॉरिजॉन्टल सेंटर, ई एंड वर्टिकल सेंटर। ओके, इसको सेलेक्ट करके इंक्रीज कर लेंगे शिफ्ट के साथ ताकि प्रपोर्शन वाइज वो स्केल हो। ओके, ऑल साइड से इंक्रीज करने के लिए, स्केल करने के लिए शिफ्ट यूज़ करना है। तो ये सेक्शन हमारा बन गया। अब हमें डॉटेड लाइन देनी है इस तरीके से, तो सेम इसी की कॉपी ले लो, प्लस कर दीजिए और फिर शिफ्ट के साथ इसको डिक्रीज करना है, लाइक दिस। अब हमें इसमें क्या करना है, डॉटेड स्टाइल देना है। ओके, तो यहाँ पे डॉटेड है। ओके, तो क्या करना है, इसके लिए आपको एक सर्कल लेना है, छोटा सा ड्रॉ करना है, और अभी के लिए कलर आप इस पर कोई भी दे सकते हैं, या एक काम करते हैं इसी के ऊपर बना लेते हैं इसको ताकि वो दिखाई दे। और इसमें फिल कलर वाइट दे दीजिए, आउटलाइन कलर नो आउटलाइन, डॉटेड। अब इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है ये, सेलेक्ट एंड डिक्रीज द साइज। देन इसी की कॉपी और यहाँ रख ली, कहीं भी रख सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके आपने ब्लेंड यूज़ करना है यहाँ से, तो यहाँ से आपने ब्लेंड टूल पे आ चाहिए, इफेक्ट के अंदर ब्लेंड और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ओके, तो ये इस तरीके से आपका शेप्स बन गया। अब हमें करना क्या है कि इस ब्लेंड को इसके अकॉर्डिंगली सेट करना है ताकि इसके ऊपर आ जाए। तो इसको सेलेक्ट, पाथ प्रॉपर्टी पे जाना है, यहाँ से न्यू पाथ, और एक एरो आएगा, इस एरो को आपने यहाँ इस पे क्लिक करना है जिससे कि ये ऑटोमेटिकली इस पे सेट हो जाएगा। अब एक काम और करते हैं, जो हमारा मेन सर्कल है उसको पहले हाइड कर दो, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा भी किस तरीके से आ रहा है, कितना आ रहा है। तो डी सेलेक्ट करो, उसके बाद लाइन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको कर दीजिए नन। तो क्या होगा, जो मेन हमारा सर्कल था वो कलर गायब हो जाएगा, राइट। अब आपने पिक टूल की मदद से इसको डिसलेक्ट करना पहले, और फिर ये आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना हमें दिखाना है। तो ये हमने यहाँ रखा, एक सेकंड ज़्यादा हो गया लगभग, यहाँ
और इसको भी आगे और जूम कर लीजिए, इसको आगे एडजस्ट कर लेंगे, इसको भी और आगे, तो आप गैपिंग देख लीजिए कितना है, बस परफेक्ट है। अगर हम मान लीजिए इसको ठीक इसके ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, वो गायब हो जाए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना, ठीक उसके ऊपर नहीं रखना है, आपको अंदाजे से गैप मेजरमेंट करना है। अब इसमें कितनी इंटेंसिटी चाहिए, जैसे इसमें हमारे पास गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, डीसेलेक्ट करना, इसी को सेलेक्ट करो ताकि ब्लेंड की प्रॉपर्टी आ जाए। अगर हम इंडिविजुअल एक को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टी आएगी। अब हमने क्या किया, बीच में क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ब्लेंड की प्रॉपर्टी आएगी। अब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स बढ़ा सकते हैं, तो अभी उनके बीच में 35 सर्कल थे, हमें ज़्यादा चाहिए 45, तो नहीं और भी ज़्यादा चाहिए 55, और भी ज़्यादा 65, इनफ आई थिंक, नहीं थोड़ा सा और ऐड करना हो तो लगभग हम लेते हैं 85, ठीक है। तो ये हमारे एग्जैक्टली रोटेट सर्कल बन गया। थोड़ा गैप यहाँ ज़्यादा हो गया है, तो आपने वापस से डीसेलेक्ट करके उनको एडजस्ट करना है, ओके। थोड़ा सा इसको और यहाँ पर आपने ध्यान से करना है एडजस्ट, क्योंकि अभी हमने स्पेसिंग एडजस्ट किया है, इसलिए आपको अगेन रीसेट करना पड़ रहा है। चलिए डेट्स इट, हो गया परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये कंटेंट लिखना है और यहाँ पे इस तरीके से शेप बनाना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये शेप बना लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कस्टम शेप्स में आने हैं, नीचे पॉलीगन्स के अंदर आएगा कॉमन शेप्स, कॉमन शेप के अंदर यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा, इस पे जाना है और इसके अंदर से आपने बैनर शेप्स के अंदर सेकेंड वाला ऑप्शन लेना है और ये हम यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब इसमें ये येलो और रेड पॉइंट से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक आपको ये पॉइंट रखना है, इस पे जाना है और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी कम कर सकते हैं। ये हमें थोड़ा सा और ऊपर करना है, तो आप चाहो तो शेप टूल ले लीजिए और इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। ये और हमें ऊपर कर लिया, ओके परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कम है तो ये कर लिया, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और आपने अंदर करना है, बस इतना लगभग, ठीक है परफेक्ट। अब हमें इसमें कलर फिल करना है, तो आईड्रॉ पर सेम यही कलर उठाइए और यहाँ पे फिल कर दीजिए, राइट। थिकनेस बढ़ानी है इसकी आउटलाइन, तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसकी थिकनेस हमने ले लिया 1 अराउंड, और मोटा करना है तो 2, ठीक है इनफ है 2, ओके। अब क्या करना है इसमें, जैसे ये अभी हमारा बिल्कुल फ्लैट आ रहा और ये हल्का सा बैंड है, तो बैंड करने के लिए हम इसे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स में है, इफेक्ट्स की वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी क्लास 7 या 6 में इसका मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं, ओके। यहाँ से यूज़ करना आपने एनवलप टूल और इसको सेलेक्ट, और यहाँ से हम ले लेते हैं ये, ठीक है राउंड वाली रहेगा, और इसको पॉइंट को ऊपर, इसको और ऊपर, इस सेक्शन को भी, दोनों को एक साथ करना है, तो आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है और फिर ऐसे ऊपर कर लीजिए, क्लिक एंड ड्रैग, एंड देन एरो की से आप इसको ऊपर लेके ड्रैग कर सकते हैं। बट अभी प्रॉब्लम हो रही है कि ये हुआ नहीं एक्चुअली, तो माउस दिक्कत कर रहा है, माउस प्रॉब्लम कर रहा है इसका ना, ओके। तो ये पॉइंट यहां पे आ रहे हैं, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग, और नीचे वाले पॉइंट को भी ले लिया और इसको भी क्लिक एंड ड्रैग, ओके। ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ही बैंड करना है, और इसको भी थोड़ा नीचे, और हैंडल हल्का सा और ऊपर, और यहाँ पे हैंडल को पकड़ के इसको भी एडजस्ट कर लेंगे इसी फ्लो के स्ट्रक्चर में, इसको आपने एडजस्ट कर लेंगे ऐसे ही सेम, यहाँ पे इसको भी सेम ये, और यहाँ भी सेम, ओके। तो इस तरीके से आपने बैंड कर लेना है और फिर पिक टूल की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, लाइक स्केलिंग करना है, नीचे करना है थोड़ा नीचे, ताकि डिस्टेंस हमारा रहे, हमें यहाँ पे कंटेंट भी लिखना है अभी, ओके। और इस सेक्शन को थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं, ये थोड़ा अभी और हल्का सा छोटा होगा प्रोपोर्शनली, ओके। तो यहाँ पे हमारा एक कंटेंट आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, ओके। एंड हल्का सा और इसको, और इसको एग्जैक्टली हमें क्या करना है, पेज के सेंटर भी करना है, राइट। तो क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, किसी भी एक शेप को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, देन सी प्रेस करना है, सी यानी कि एग्जैक्टली वो वर्टिकल सेंटर आ जाएगा, ओके। तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, मेंटेन
एंड अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें इस टाइप का ऐसे ये शेप्स भी बनाने हैं। जैसे यहाँ पे शेप्स आपको दिख रहे हैं लाइन टाइप्स के हैं, और ये क्या है, पहले इसकी थिकनेस ज़्यादा है, उसके बाद थिकनेस कम हो रही है। तो इस टाइप का शेप्स क्रिएट करने के लिए क्या करना है, आपने एक लाइन लेना है। लाइन किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, टू पॉइंट लाइन के थ्रू। और यहाँ से मैंने जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट के साथ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हमें करना क्या है, आगे से पतला दिखाना है इसको। तो उसके लिए आपने आना है यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे आना है आपने, और इसमें से आपने लेना है ब्रश टूल। यहाँ ब्रश के अंदर भी आता है, प्लस मेन इसके अंदर है। तो मेन आपने फर्स्ट वाले में आना है, यानी प्रीसेट्स के अंदर, राइट। तो प्रीसेट्स के अंदर यहाँ पे इसके अलग अलग टाइप्स आएंगे, तो इसमें से भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसे इस पर क्लिक किया तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा, और उसके थिकनेस अभी अप्लाई नहीं हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पे आइए विंडो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आर्टिस्टिक मीडिया है वो ऊपर आ रहे हैं। तो विंडो पे जाना है, डॉकर्स, इफेक्ट्स और आर्टिस्टिक मीडिया। इसमें क्या क्या फ़ायदा रहेगा, यहाँ अलग से इसका एक डॉकर ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रह गया, हमें इस पर यूज़ करना है। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर दिया। थिकनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसकी, यहाँ से स्ट्रोक विड्थ इसको आप कम कर लीजिए, तो इस तरीके से आ गया। और इससे कम नहीं होगा, और भी इसके टाइप्स हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा बेस्ट लग रहा है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए। ये ठीक है। और कोई इसके अलावा नीचे आ जाएंगे, और भी इसमें काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ये ज़्यादा पतला हो गया, ये ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, तो ये आपका बनके तैयार है। इसको स्केल हल्का सा डाउन प्लेस कर लेंगे, और अब हमें इसी की कॉपीज़ ले लेंगे, राइट। और कॉपी के लिए क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, नॉर्मल क्लिक मत करना, नहीं तो सिंगल वाली लाइन सेलेक्ट होगी। तो आर्टिस्टिक मीडिया के लिए हमें ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करना है, और फिर इसी की आपने कॉपी ले लेनी है। अब कॉपी के रिपीट कमांड का भी मैंने बता रखा, ये भी मैंने क्लास टू में या आई थिंक क्लास थ्री में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, ताकि आपको समझ में आए कैसे करना है। तो देखिए कैसे किस तरीके से करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपने जस्ट इसको सेलेक्ट करना है क्लिक एंड ड्रैग करके, राइट। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करना है, ओके। और इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग किया हमने, और फिर बिना लेफ्ट छोड़े राइट क्लिक करना है, यानी कि लेफ्ट को छोड़ना नहीं है, लेफ्ट को प्रेस करे रखना है, और साथ ही साथ आपको राइट क्लिक कर देना है, फिर आपने लेफ्ट को रिलीज करना है। अब इसकी कॉपी आ गई, इससे फ़ायदा क्या रहेगा, अब मैं कंट्रोल आर करके रिपीट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसके रिपीट कॉपीज आती रहेंगी लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। और अब इसको एक काम और करते हैं, सबको मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, और एल से लेफ्ट कर देंगे ताकि एग्जैक्टली लेफ्ट अलाइन हो जाए, एल से यानी कि लेफ्ट अलाइन। अब यहाँ से थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये तो ओके है, लेकिन इनमें दिक्कत आ रही है। इनको क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है और इसको स्केल कर देना ताकि वो इसमें मैच हो जाए। इसको भी ऐसे ही क्लिक एंड ड्रैग किया, और इसको भी हमने यहाँ पे स्केल कर दिया, पूरे को ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करना है, और फिर स्केल इंक्रीज कर दिया। तो ये इस तरीके से एग्जैक्टली हो गया। अब ये सेक्शन तो बन के तैयार है, इधर में भी हमें करना है सेम। अच्छा, इसकी इसको हटा दीजिए, इसका जो थो काम हो गया है, आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है सो डैट ये सारे सेलेक्ट हो जाएं। और सेम वही कॉपी करते हैं, प्लस के साथ भी कॉपी कर सकते हैं, और इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, ओके। अब इसको हम फ्लिप करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर फ्लिप का ऑप्शन आता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, एंड देन इसकी पोजिशनिंग यहाँ रख देते हैं। तो ये परफेक्टली आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन इतना बन के तैयार है। अब टेक्स्ट लिखना है, ईजी है, टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक किया ट्यूटोरियल, एंड इसको साइज इंक्रीज रख लेंगे इसको, और फ़ॉन्ट इसका कलर दे दीजिए वाइट, और कंटेंट ठीक है। फ़ॉन्ट आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा सेम मिलता जुलता, तो हम एक काम करते हैं, अभी इसको एरियल ब्लैक दे देते हैं, या एरियल में रख के ही इसको आप बोल्ड कर दीजिए तो भी ठीक है। एंड आउटलाइन कलर इसमें ब्लैक कलर है, प्लस इसमें आउटलाइन थोड़ा सा अलग टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पे इस टाइप का इफेक्ट देने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस पर इफेक्ट में ही यहाँ पर आता है ब्लॉक शेडो, ये आप दे दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जैक्ट इसकी डेप्थ आ जाएगी, कितना देना है हल्का सा इसका हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, कितना पोजिशनिंग कहाँ से कैसे रखने है, तो ये इसका डेप्थ ऐसे क्रिएट हो जाएगा। और थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से इसकी डेप्थ आप बढ़ा सकते हैं, तो ओवरऑल यहाँ भी ये देखिए ऐसा क्रिएट हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ गया, लेकिन अभी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, और हमें क्या करना है, ऐसे राउंड टाइप में करना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही एनवलप टूल यूज़ करेंगे जैसा हमने शेप में यूज़ किया था। तो पहले इसको अकॉर्डिंग टू कंटेंट रख लीजिए, कितना आपने रखना है, और सेंटर करना है, तो पहले इसको सेलेक्ट, देन शेप को सी और ई,
तो इसे एग्जैक्टली सेंटर आ जाएगा। तो सी तो ठीक है बट ई में ज़्यादा नीचे चला गया, तो इसको मैनुअली हल्का सा ऊपर एडजस्ट कर लो। अब हमें इसे क्या करना है, मेन इसको कर्व करना ऊपर की ओर, ठीक है। तो सेम आपने यहाँ से यूज़ करना है एनवलप टूल और इस कंटेंट को ऊपर और यहाँ से भी इसको ऊपर। और अब यहाँ से हैंडल को भी आपको एडजस्ट करना होगा ताकि फ्लो उसका सेम रहे, अदरवाइज वो थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। ये ठीक है, यहाँ से भी इसका फ्लो सेम इस तरीके से, और इसका भी फ्लो थोड़ा सा ऊपर। ओके, तो ये आपका हो गया है परफेक्ट। इधर से ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो ये थोड़ा सा और आप इसको ऊपर कर दीजिए बस ज़्यादा, ठीक है। एंड इसको हल्का सा कम राउंड बस, और ये थोड़ा सा और मोटा फॉन्ट होगा, तो आप एक काम करो बोल्ड तो कर ही दीजिए बस, ठीक है। एंड इसको स्केल हल्का सा अप, और इधर से भी इसको हल्का सा स्केल, परफेक्ट। अब दोनों को सेलेक्ट एंड सी जस्ट कर देंगे वर्टिकल सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंटेंट बन गया। अब हमें क्या करना है, ये स्टार एंड टेक्स्ट लिखना है। तो चलिए स्टार बनाते हैं। स्टार में क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ से स्टार ले लीजिए और एक हमने ये स्टार बना दिया। इसके साइड्स हमें 5 रखनी है, तो यहाँ से साइड्स आप रखेंगे 5 एंड कलर वाइट, आउटलाइन नो आउटलाइन। अब यहाँ पे हमें 3 दिखाने हैं, तो इसको साइज छोटा और इसी की कॉपी लेके एक यहाँ रख दिया, और साइज शिफ्ट के साथ करना है प्रोपोर्शनली ताकि वो स्केल हो, और सेम इसी की कॉपी लेके आपने अब यहाँ रख देना है। तो ये हमारा एग्जैक्टली आ गया। डिस्टेंस कम करना है तो डिस्टेंस कम कर सकते हैं। अब इनको भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, टी से टॉप लाइन, या सी कर लो आप, ई कर लो, ई से ई से हो जाएगा वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्टली सेंटर आ जाएंगे एक दूसरे के। और फिर हमें क्या करना है, इनके बीच के डिस्टेंस ही मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ से आने आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन पे, तो ये खुलेगा। यहाँ से बस हमें क्या करना, हमारे ऑब्जेक्ट जो रखे हैं हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें ये यूज़ करना है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टल। तो इससे क्या हुआ, इनके बीच का जो स्पेस है वो प्रॉपर इक्वल हो जाएगा, यानी एक पिक्सल का भी डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। ओके, तो ये तैयार है हमारा। इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे एंड देन इसको ठीक यहाँ नीचे ले आएंगे, एक और इसी की कॉपी लेके यहाँ रखिए, क्लियर। अब हमें कंटेंट लिखना है, तो कंटेंट के लिए पहले आप सिंपल प्लेन पे टेक्स्ट लिख दीजिए, और फॉन्ट इसमें थोड़ा अलग है, तो हम फिलहाल लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन और इसको बोल्ड कर देंगे और ओके, ठीक है। अब हमें इसको इस तरीके से मैनेज करना है, यहाँ पे ये कंटेंट ऐसे यहाँ आना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, ये जो डॉटेड लाइन है इसी पे हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, राइट। साइज थोड़ा छोटा, और इसको यहाँ सेट करना है। तो क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, फिट टेक्स्ट टू पाथ इस ऑप्शन पे आना, और यहाँ पे से आपको लेके आना है, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं वो एडजस्ट हो रहा है। अब आपने, मैंने क्लिक एंड ड्रैग नहीं किया, जस्ट मैं माउस को लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर, तो जहाँ आपको वो पार्ट चाहिए वहाँ आपने करना है क्या, जस्ट क्लिक कर देना है। ओके, अब इसका कलर आप चेंज कर दो, वाइट कर दो, और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, 32 है, तो इसको अभी हम रख लेते हैं लगभग 26 अराउंड, परफेक्ट। और बोल्ड ऑलरेडी है ही है, ठीक है। थोड़ा स्कल का और बड़ा कर सकते हैं, 26 है तो 28 पे भी ठीक रहेगा, और इस चीज़ को स्टार को थोड़ा सा और नीचे, और हाँ इसको हम एग्जैक्टली सेंटर भी कर लेंगे स्टार को, यानी ये स्टार सेलेक्ट करेंगे, और किसी भी एक शेप को सेलेक्ट करके आपने सी प्रेस कर देना है, एग्जैक्टली वो उसके सेंटर पर आ जाएगा। स्टार को थोड़ा नीचे, और इसको भी हमें नीचे करना है, तो यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे पिक टूल से, तो यहाँ पे एक रेड पॉइंट आएगा, ये देखिए। इस पॉइंट से क्या फ़ायदा है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमने नीचे रखा, ठीक है। और स्पेसिंग भी यहाँ से नहीं, ज़्यादा नीचे हो गया, थोड़ा हल्का सा ऊपर, ताकि यहाँ पे इसके ऊपर नहीं, और इसमें स्पेसिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कितना ऊपर नीचे करना है, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, और लेफ्ट राइट कितना रोटेट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज एक काम करते हैं 27 रख लीजिए, इतना। तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब हमें इधर एक और लिखना है, क्या, बाय डिज़ाइन, बाय डेनिस डिज़ाइन। तो कंटेंट करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा, अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, बाय अचीवर्स डिज़ाइन। ओके,
तो अब हमें इसे यहाँ पे सेट करना है, तो इसके लिए भी सेम स्टेप रहेगा। तो इसका एक काम और करते हैं कि यहाँ में हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ओके। एंड अब हम इसे यहाँ सेट करना है और फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे, फॉन्ट इसका रख देंगे टाइम्स न्यू रोमन, ओके। अब इसको भी यहाँ सेट करना है, तो सेम स्टेप है, टेक्स्ट पे जाना है, फिट टेक्स्ट टू पाथ पे जाना है और इसको यहाँ पर ले आना है। तो ये हमें यहाँ पर हमें चाहिए, जस्ट क्लिक कर दिया मैंने। बट अब प्रॉब्लम इसमें आ रही कि वो इस तरीके से राइट टू लेफ्ट में पढ़ने में आ रहा है और हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट लेफ्ट टू राइट के सीक्वेंस में पढ़ना है। तो आपने करना क्या है, इसको पहले काम करते हैं, फोन चेंज कर लीजिए इसका वाइट, ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, ये कर देंगे आपने। और डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं, ऊपर जा रहा है तो प्लस में कर दीजिए ये, और यहाँ से इसको डिस्टेंस को आप सेट कर सकते हैं कितना किधर रखना है ये, ओके। तो इस तरीके से किसी फोन साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 24 है 22, तो ये एग्जैक्टली सेट हो गया। डिस्टेंस आपको और कम करना है इनके बीच का, तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, वैल्यू वाइज भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को पकड़ना है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेना है, तो ये देखिए, ओके। थोड़ा इधर और शिफ्ट कर लेते हैं इसको, बस ओके। ये थोड़ा और डिस्टेंस यहाँ बढ़ाना है, तो इसको थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर, ओके। तो ये आपका डिज़ाइन बनके तैयार है। फुल स्क्रीन देखने के F9 होता है, तो आप F9 भी यूज़ कर सकते हैं या व्यू पे जाके यहाँ पे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन आप बना सकते हैं। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।